भैया बिना बम्ब के रावण होगा दहन, तो ये कैसे होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। बम नहीं लगेंगे तो भैया रावण कैसे जलेगा? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं है और इस पे 5 लाख का चालान। तो ये हमारा भाई बुलंदशहर से आया है, यूपी बुलंद। ये बता दो जब ये बनता है ना तो क्या क्या चाहिए रहता है, लागत रहती है? जैसे ये 60 फुट का 65 फुट का आपने बताया, वो कितनी लागत रही होगी पूरा? इसमें 2 लाख रुपए की लागत। तो भैया स्वागत है आपका मेरे चैनल में। वो देख लो सामने लगा हुआ है मेला और वो है सामने रेडिसन ब्लू होटल। तो ये यहाँ पे सामने मेला लगा हुआ और ये जो ग्राउंड है ना इसको बुक किया गया है, जो कल यहाँ पे रावण जलना है ना, रावण कुंभकर्ण और मेघना, उसका पूरा ग्राउंड पूरा बुक कर दिया है, पूरा चारों तरफ उसको घेर के रखा हुआ है, मतलब कि कवर कर दिया उसको अच्छे से। और यहाँ पे देख लो ये मेघनाथ जी लेटे हुए हैं यहाँ पे। अब देख लो ये पूरा बांस का सेटअप बनाया हुआ है, पूरा इसको कवरिंग की हुई है। और ये है मेघनाथ, तो इसका जो नीचे वाला सिस्टम है ना, जो घाघरा होता है, वो भी वो सामने पंडाल है, पंडाल में लेके चलूंगा, वो भी आपको दिखाऊंगा। तो इस बार क्या खास है ना भैया, बिना बम्ब के रावण होगा दहन, तो ये कैसे होगा मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तो ये देखो मेघनाथ, ये देखो भाई साहब मूछे, इतनी ज़बरदस्त मूछे लग रही है ना। और ये देखो ताज वाज, तो ये तो भैया मेघनाथ है। आओ अब यहाँ पे आपको मैं आगे दिखाता हूँ, वो सामने है रावण, तो रावण के दर्शन कराता हूँ आपको। और ये भाई लोग आ गए हैं यहाँ पे, तो अभी इसका काम चल रहा है भैया? हाँ जी भैया, इसका काम चल रहा है, बांस बांधे जा रहे हैं इसमें। बांस बांधा जा रहे हैं इसके अंदर? भैया जी बांस बांध रहे हैं इसमें। तो बांस बांधने का क्या प्रोसेस रहता है इसके अंदर, क्यों बांधे जाते हैं बीच में? बांस इसलिए बांधे जाते हैं जिससे कि इस पे ज्यादा मतलब लचै ना आए, टूट ना जाए। और बीच में जब इसको खड़ा किया जाता है तो जब इसके ऊपर घाघरा लगाया जाएगा जो अलग से उस पीछे वाले पंडाल में पड़ा हुआ है, जी जी, तो ऊपर चढ़ के लगाया जाता है इसके ऊपर, कैसे? हाँ भैया इसी के ऊपर चढ़ के लगाते हैं। अच्छा, ये ऊपर चढ़ने का भी काम करता है और इसको सपोर्टिव भी, मतलब सपोर्ट भी करता है खड़े होने में। तो कल है रावण का मतलब ध्यान होना है, कल दशहरा है। तो रात को प्रोसेस हो रहा है, देख लो आपके लिए आया हूँ मैं रात को, राइट टाइम हो रहा है 11 बजे के आसपास का। और ये देखो भाई लोग आ गए यहाँ पे। ये खड्डे किस लिए किए जाते हैं? ये इसे खड़ा करने के लिए किए जाते हैं। और ये बलिया, ये सपोर्ट जो हिले ना हवा में इधर उधर, ठीक है। तो ये तो यहाँ पे मेघनाथ था और वो आपको दिखा दूँ रावण में, ये देखो भाई रावण को लाल रंग दिया गया है। वाह इससे अभी तो दूर से देख के गजब लग रहा है। अभी विश्राम पे है, विश्राम मोड पे है, क्यों भाई लोगो? भाई। तो ये देखो भाई साहब इसके मुंह 1 2 3 4 चार इधर है, 4 उधर है, 8 और एक हो गया बीच में, 9 मुंह होते हैं भाई। हाँ तो ये देखो मुझे मुझे फुल सेटअप बढ़िया लग रहा है यहाँ पे। और ये देखो इसको भी सुबह खड़ा किया जाएगा, सुबह नहीं रात में क्रेन आ रही है यहाँ पे, जो भी है ना पूरा सारी साफ सफाई होगी यहाँ पे पूरे ग्राउंड की। और अभी क्रेन आने वाली है तो उसको खड़ा कर दिया जाएगा, सुबह 6-7 बजे तक आपको खड़ा मिलेगा ये रावण। और अभी वो जहाँ पे लास्ट जो मेन है ना जो बना रहे हैं वो वहाँ पे काम कर रहे हैं कुछ, तो उनसे बात भी करेंगे और पूछेंगे भैया कल रावण जलेगा कैसे। और ये देख लो ये कुंभकर्ण जी, कुंभकर्ण सोना उनका काफ़ी देखा गया था, तो ये अभी विश्राम कर रहे हैं, अभी सो रहे हैं। तो आओ भैया, क्या हाल है आपके? क्या हाल है भैया जी आपके? बढ़िया हाल है। तो कहाँ से हो, क्या नाम है और रावण बनाने में क्या क्या लगता है ना, सब कुछ बता दो आप। ये बताएगा अपना उपायेगा, थकावट होगी काफी है काम करते हुए, कब से कर रहे हो काम? 1 महीना। 1 महीना लगा है 3 रावणों को बनाने में, ऐसा काफी मेहनत कर रहे हैं। 60 रावण, 60 है कुंभकर्ण और 55 है मेघनाथ। अच्छा ये 60 है कुंभकर्ण और 65 है रावण और अपना 55 के आसपास है मेघनाथ, तो ऐसा साइज में डिफरेंट क्यों है? रावण बाप का था ना सबका। अच्छा रावण बाप बड़े रहते हैं। बच्चे छोटे होते हैं। तो ये हमारा भाई बुलंदशहर से आया है, यूपी बुलंदशहर है भाई, नोएडा में पड़ता है। तो ये बता दो जब ये बनता है ना तो क्या क्या चाहिए रहता है? बांस लगते हैं, रस्सी लगती है और इसमें कागज लगता है और इसमें बल्ले डलते हैं। तो कागज थोड़ा अलग तरीके का यूज किया जाता है इसके अंदर, कैसे अगर बारिश आ जाए उससे वो भी खराब ना हो, क्या रहता है? धोती भी डलती है, नया कपड़ा डलता है इस पर। नया कपड़ा डलता है, ओके। और इसके अंदर कितनी लागत रहती है, जैसे 60 फुट का 65 फुट का आपने बताया, वो कितनी लागत रही होगी पूरा? इसमें 2 लाख रुपए की लागत। 2 लाख रुपए तीनों में? तीनों में 2 लाख रुपए की लागत। हाँ तीनों में 2 लाख रुपए की लागत लग गई है भाई साहब। तो ये देख लो, और इसके अंदर रावण
बम बम लगेंगे नहीं लगेंगे भैया? बम नहीं लगेंगे तो भैया रावण कैसे जलेगा? जब सुप्रीम कोर्ट के आदेश नहीं है और इस पे 5 लाख का चालान है। 5 लाख रुपए का जुर्माना? रावण की शक्ल भी दिखा देते हैं। इतना ही भाई वो थक गया है, 1 महीने से काम करा और कल ना आखिरी दिन है, फिर ये जाएंगे गांव अपने वापस। तो आओ जब तक रावण की शक्ल देख लेते हैं हम, तो पूरा आपको दिख गया होगा ये बलियां रहती है इसके अंदर। देखो कितना ज्यादा ना पूरा सपोर्ट पूरा दिया हुआ था कि कोई पब्लिक है ना यहाँ पे उसको कहीं भी हार्म ना आ पाए, कहीं अगर ये गिर जाए कुछ हो जाए जलते हुए तो। और कल यार बिना बम्बे के कैसे जलेगा मेरे को ये समझ में नहीं आ रही है। कल मैं आगे जरूर देखूंगा, आपको उसकी वीडियो ही मिलेगी। इस वीडियो को शेयर कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम, अगर आपको अच्छी लग रही है तो ऐसी वीडियो आपको मिलती रहेंगी। और ये देखो कुंभकर्ण जी विश्राम करते हुए, भाई साहब ये देख लो, थोड़ा दूर होकर दिखाता हूँ मैं, ये देखो इसका ताज हो भाई साहब, कैंठा कान में देख लो बाली, और ये देखो इसका ताज मोटा मोटा अगर मैं बताऊँ ना तो होगा ये लगभग 6-7 फुट का तो ताज ही है। और फेस भी होगा भाई साहब 10 फुट का तो होगा, फेस 10 फुट से ऊपर का फेस है। और ये इसका डबल हो गया, तो करते कराते पूरा जो इसका बैठेगा ना सेटअप पूरा बैठेगा ये 60 फुट के आसपास का। वो सामने लगा हुआ है मेला और मेले में लोग कर रहे हैं एंजॉय, देख लो सामने राइड्स चल रही हैं, नाव वाला झूला, व्हील वाला झूला और काफ़ी सारे और छोटे बच्चों वाले झूले हैं जो दशहरे में मिलते हैं। काफ़ी लोग अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, छोटे बच्चों के साथ आके एंजॉय करते हैं। और अभी जो इसकी नीचे वाला है ना, जो सुबह इसको खड़ा किया जाएगा उसको भी लगाया नहीं जाता इसके अंदर, इसलिए नहीं लगाया जाता ताकि इसका बैलेंस डिसबैलेंस ना हो। तो आओ चलते हैं सामने वाले पंडाल में, वहाँ पे देखते हैं जो नीचे वाला घाघरा लगेगा वो भी आपको दिखा देता हूँ। वो 1 महीने का इनका वो लगाया बनाने का समय और 2 लाख का पूरा मोटा मोटा लगाया बिना बम के। ये देखो पानी वानी पी रहे हैं और रातों रात में इसको खड़ा कर दिया जाएगा। ये जो आपको नीचे दिख रही है ना थोड़ी घास बड़ी है जो भी है, इसको भी सेटअप कर पूरा कर दिया जाएगा सुबह तक का। तो अभी सामने पंडाल जाना हमने यार, वो रह रहा अपना। तो ये आ गया हूँ पंडाल के अंदर, सामने देख लो ये जो नीचे लगने वाले घाघरे हैं ना ये आपको बिल्कुल सामने दिख रहे होंगे। और ये देखो जो कारीगर है यहाँ पे उन्होंने पानी वानी का अपना सारा बंदोबस्त किया हुआ है यार, कपड़े लगते जो भी है ना सब यहीं पर रखा हुआ है। ये देखो रावण के भाई साहब पैर, ये तो देखने लगे थे यार। तो ये देखो काफ़ी ना अट्रैक्टिव से लग रहे हैं ये, क्यों राहुल भाई मजा आ रहा है? तो ये देखो ये पैर भी, ये जूते सब सेटअप बढ़िया लग रहा है यार। देखो ये लेटा हुआ जूते पैर मेरा घाघरा, तो ये है घाघरा, ये फ्रंट साइड है या बैक साइड है मेरे को नहीं मालूम, हाँ ये बैक साइड है बट जब लगेगा वो नहीं मालूम क्या है क्या नहीं है। बट ये देख लो इधर से दिखाता हूँ आपको, तो ये ब्लैक कलर के अंदर है, इसके 3 आगे बढ़े हुए सामने और 3 हिस्से यहाँ पर है, ये कुंभकर्ण मेघनाथ और रावण के होंगे मैं भी पता नहीं अब कौन सा किसका है। देखो तो काफी बड़े बड़े आ रहे हैं, यही 15-20 फुट के होंगे यार, ये 20 फुट के तो यही है। ये देख लो अंदर से, अब अंदर आ गया भाई, तो इसका अब इतना गैप है ना ये यहाँ पे, मतलब कि यार मजा आने वाला है, मैं तो देखने वाला हूँ कल यार बिना उसके कैसे चलेगा यार बम्ब के रावण। ये देखो ये लग रहा है पश्चिम बिहार रामलीला कमेटी की तरफ से रजिस्टर्ड है वो, तो वो देख लो सामने ना रामायण चल रही है यहाँ पे लाइव रामायण, वैसे होता है ना कार्य लोग खुद से करते हैं पूरा। वो देखो रावण बोल रहा है कुछ बिल्कुल बीचों बीच, झूम करके दिखा दो ना, ये तो चल रही है रामायण यहाँ पे। अब पे वो एक बार दिखाया था वो सामने जो है ना राइट्स, थोड़ा पास ही दिखाता हूँ व्यू, उसके बाद कर दूंगा वीडियो को मैं बंद। आपको कल मिलेगी नेक्स्ट वीडियो यहाँ की वहाँ से, तो आओ थोड़ा सा पास में से आपको दिखाता हूँ लास्ट वीडियो यहाँ की, और कल दिखाएंगे आपको रावण की लास्ट राइड है। वो राहुल रावण की कल लास्ट राइड देखेंगे। तो बता दूँ लास्ट टाइम मैं आया था ना यहाँ पे जन्माष्टमी महोत्सव में 15-20 दिन पहले आया था, तो यहाँ पे थोड़ी राइड डिफरेंट थी। तो अभी ये देख लो वो भाई साहब, ये तो थी सामने स्विंग गेट थी वो वाली, और वो तो नाव वाली है, ये व्हील वाली थी, ये छोटे बच्चों की सामने आपको दिख रही है। तो ये देखो उससे भी छोटे बच्चों की, और वो सामने भी छोटे बच्चों की है। तो ये जो है ना सामने मिक्की माउस वाली, और वो ये थोड़ी सी डिफरेंट सी लगी है बिल्कुल सामने, ये थोड़ी सी नहीं है। तो अगर आप इंजॉय करना चाहते हैं ना कल यहाँ पे आ सकते हैं रेडिसन ब्लू वेस्ट दिल्ली, बिल्कुल आपको ऊपर दिख रहा होगा। तो वीडियो को अच्छी लगी है शेयर कर देना मैक्सिमम टू मैक्सिमम। रात को 12 बजे का समय हो गया, लोग काफ़ी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे यार, ये देख लो
फुल एंजॉय कर रहे हैं। ये देखो ये भी थोड़ी सी अलग सी लगी है यहाँ पे इस बार, ये देखो। तो अभी वीडियो को मैं करने वाला हूँ क्लोज यहाँ पे, कल आपको मिलेंगी बिहोर वीडियो। चैनल को फॉलो कर लेना, वीडियो को शेयर कर देना, मैक्सिमम कमेंट कर देना। तो